हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो पहली बात तो ये कि जो भी सोच रहा है कि सिर्फ वीडियो अननेसेसरी बनाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई अपडेट मिलता है आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग, तो आपको बताया जाता है ताकि आपको वो पेशेंस रखने में मदद कर सके। तो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट और केवीएस के बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो रिजल्ट है, टीजीटी पीजीटी, उनसे रिलेटेड एक अपडेट है जो कि मुझे जस्ट आज ही पता चला। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आपको समझने में मदद करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। पहली बात तो ये कि कई बच्चे ये कहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, मतलब कई ऐसा तो नहीं सोच रहे कि रिजल्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर मैंने अपलोड करना होता तो मैं कब की कर चुका होता, पेपर के 3-4 महीने बाद ही कर दिया होता। तो मैं बस आपको अपडेट दे रहा हूँ और जो भी प्रोसेस चल रही है उसके बारे में आपको एक तरह से एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो जैसा कि अभी तक आपको पता था कि अभी तक क्या चल रहा था, कि मैंने कहा था कि एलडीसी के रिजल्ट आने रुक क्यों गए थे, क्योंकि जितने भी कोर्ट केस हो रखे हैं टीचिंग पोस्ट, मतलब एम्प्लॉयज ने कर रखे, उनका रिजोल्यूशन, उनको समाधान होगा और समाधान होने के बाद एक एक करके जैसे जिस पोस्ट के सारे केस क्लियर हो जाएंगे उस पोस्ट का फिर एलडीसी का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ऊपर आपको दिख जाएगा, उसको देखें और उससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि एलडीसी का रिजल्ट आने के बाद ही आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आएगा, ये सच्चाई है। एलडीसी जिस दिन फिनिश होगा उसके नेक्स्ट वीक के अंदर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पहले दिन से कह रहा हूँ, अब डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि एलडीसी का रिजल्ट डिले हो रहा है। तो ये पैटर्न है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो गलती बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि 3:30 बजे के बाद इनका टाइम शुरू हो जाता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, आप समझने की कोशिश करना कि आपका जो मैंने कहा था आपको, क्या कहा था कि आपका एलडीसी का रिजल्ट आने के तुरंत 1 हफ्ते बाद आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एलडीसी डिले कर रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो वो डिले किस लिए कर रहा है, कोर्ट केस की वजह से, मैंने बताया था। तो मैं आज का अपडेट बताया था जो कि बहुत 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 प्रेरणादायक है और आपके लिए बहुत खुशखबरी वाला है। आपके पीजीटी और टीजीटी के, क्या कहा मैंने, पीजीटी और टीजीटी के सारे केसेस, किस केसेस की बात कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉयज़ ने कर रखे हैं, जिन्होंने अपनी सीट पे स्टे ले रखा है, जो ट्रांसफ़र नहीं ले रहे हैं, जो प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी केस का आज की तारीख में, आज क्या तारीख है, 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर को आज उन सभी केसेस का निपटारा हो चुका है। तो अब वैसे तो पीजीटी के मैक्सिमम रिजल्ट आ गए थे, तो जिन पोस्ट के नहीं आए थे उन केसेस, उन पोस्ट से रिलेटेड सभी केसेस और टीजीटी के सभी केसेस का निपटारा केवीएस ने कर दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का इंतज़ार करते हुए चिंतित होना या गुस्सा होना वो अपनी जगह जायज है, लेकिन ये सिस्टम इतना बड़ा है कि यहाँ पे कभी ना कभी लूप होल रह जाता है, तो उसको दूर कर दिया जाता है। तो मैंने क्या कहा, टीजीटी पीजीटी के सारे केसेस जो कैट में हो रखे थे, एम्प्लॉयज ने कर रखे थे, उनको रिजॉल्व कर दिया गया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आज से ही आपको डेफिनेटली केवीएस का एलडीसी का रिजल्ट, किस किस पोस्ट का, पीजीटी के जो बचे हुए वो पोस्ट और टीजीटी की सभी पोस्ट का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार दोबारा कह रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इस मोबाइल के और दूसरे हाथ में मेरी बच्ची के, कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट एलडीसी के रिजल्ट के नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी एलडीसी ख़त्म होगा उतना अच्छा है। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी आपके लिए भी। धन्यवाद।